हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ, जब मैं अपनी प्रिपरेशन करती थी तो उस टाइम पे मेरा डेली रूटीन क्या होता था, कैसे मैं पढ़ती थी, कैसे अपने दिन को डिवाइड करती थी और कैसे मैं उस चीज को इफेक्टिवली कर पाती थी कंटिन्यूअसली। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप लोगों को भी पता है, इतना कोई छोटा स्पेन की तो होती नहीं है कि 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना, ऐसे ये चीजें लंबी चलती हैं। तो इतने लंबे टाइम तक आप उस चीज को सस्टेन कर पाओ, उस चीज से रिलेटेड भी कुछ मैं आपको टिप्स दूंगी, कंटिन्यूटी कैसे बनती है उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मोनिका पुनिया। मेरा सिलेक्शन SSC CPO 2019 के थ्रू दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ है और करंटली मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रही हूँ अपनी। और उसके साथ साथ मैंने SSC CGL 2020 को भी क्लियर किया है, जिसके थ्रू मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट मिली है और बाकी भी काफी सारे गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स को मैंने निकाला है। तो आप ये बोल सकते हो एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट का डेली रूटीन आज आप देखने वाले हो इस वीडियो के अंदर। तो वैसे तो मैं फेवर में नहीं हूं किसी भी ऐसी चीज के कि लाइक आप बिल्कुल जो मेरा रूटीन था वैसे ही आप पढ़ो, या जितने आवर में जिस चीज को देती थी वैसे ही आप उस चीज को करो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको कोई ना कोई टिप्स या ट्रिक्स ऐसी जरूर मिल जाएगी जिसको आप अपनी लाइफ में या अपने रूटीन में इंप्लीमेंट करके अपनी चीजों को बेटर कर सकते हो। मैं भी यूजुअली जो एस्पिरेंट्स होते थे पहले मेरे टाइम पे, मैं अगर किसी की वीडियो देखती थी तो मैं यही करती थी कि मैं वीडियो, अगर कोई एस्पिरेंट है सेलेक्टेड है तो मैं उसकी वीडियो देख रही हूं, तो ऐसा नहीं होता था कि मैं उसको टू द पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी कर लिया अपनी चीज रूटीन है उसके अंदर। मैं बस ऐसे कर लेती थी कि दो चार चीजें जो मेरे रूटीन के अकॉर्डिंग मुझे सुटेबल लग रही होती थी, या कुछ ना कुछ नया एक किसी भी एस्पिरेंट के अगर आप जर्नी देखते हो तो जरूर सीखने को मिलता है। तो मैं भी कोशिश करूंगी आपको कुछ ऐसा ही सीखने को मिले। आज जो रूटीन हम डिस्कस करेंगे वो विंटर से रिलेटेड रूटीन डिस्कस करेंगे। वैसे विंटर समर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि पढ़ना तो थ्रू आउट द ईयर ही होता है हमें, लेकिन थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा डिफरेंस हो जाता है, वैसे ही अभी विंटर चल रही है तो उसी अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपना कि कैसे मैं पढ़ती थी। मेरा जो यूजफुली पढ़ाई थी लास्ट के टाइम की 1 से 1.5 साल की, वो थी मेरी लगभग लाइब्रेरी से मैंने अपनी पढ़ाई की थी। लाइब्रेरी जाती थी मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो लाइब्रेरी में मैं अपनी पढ़ाई करती थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। घर पे रहने वाला भी इसमें से कुछ ना कुछ ऐसे ही अपनी तैयारी कर सकता है, कोई मतलब इतना डिफरेंस तो होता नहीं है, पढ़ना तो इक्वली है। तो जो स्टार्टिंग होती थी मेरे डे की वो ये होती थी कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठना पसंद करती थी। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं बोल सकते, ठीक ठाक टाइम पे मैं 6 बजे उठना पसंद करती थी। सर्दी में गुस्सा तो आता उठते हुए, आप लोगों को भी अभी आ रहा होगा, दुख भी होता होगा, लेकिन मैंने अपना एक रूटीन सेट कर रखा था कि जो भी मेरा टाइम है, जैसे 6 बजे का टाइम है तो 6 बजे मैं उठ जाती थी। जो अलार्म होता था रात को, फोन को सोते हुए थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखती थी कि माइट भी मेरा उठने का मन ना करे तो उस अलार्म को बंद करने के लिए तो उठना पड़ेगा ही, तो उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखती थी। एक बार उठने के बाद फिर अपना उठ ही जाती थी, थोड़ा सा अपने माइंड को भी स्ट्रोंग रखना होता है। उठ के अपना जो भी डेली करिकुलम होता था वो करके, उसके बाद मेरी एक चीज में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था पिछले साल, मैंने देखा कि मैं अगर गर्म पानी करने के चक्कर में, नहाना जो सुबह अपना प्रोसेस होता है उसके चक्कर में मेरा 1 से कई बार तो 1.5 घंटा भी मैं खराब कर लेती थी। गर्म पानी होगा, नहाऊंगी, करूंगी। एस्पिरेंट्स होते हैं जो रूम वगैरह पे रह रहे होते हैं, रोड से गर्म पानी करते हैं, गीजर वीजर की फैसिलिटीज तो कम ही होती हैं, तो फिर मैंने क्या सोचा कि मैं ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट करती हूँ। मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट करो, मैं जस्ट एक अपना आप बता रही हूँ कि मैं ऐसे करती थी। तो मैंने सुबह सुबह अपना ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट किया। मेरा एक माइंड मेकअप होता था कि मुझे 7:15 से 7:30 के बीच में लाइब्रेरी पहुंच जाना है। खाना यूजुअली मैं कुक नहीं करती थी अपने लिए, तो वो चीजें भी इसके अंदर आपको आती रहेंगी। तो मेरा 7:15 से 7:30 का टाइम होता था सेट कि मुझे पहुंच जाना है। 6 बजे उठ के नहाई और अपना जो भी सुबह का काम है थोड़ा बहुत वो किया, हल्का सा दूध या कुछ भी ब्रेकफास्ट में हल्का सा लिया और उसके बाद मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। लाइब्रेरी जाते ही सबसे पहली जो चीज होती थी मेरी, और शायद ये चीज आपके लिए भी इफेक्टिव रहे अगर आप करोगे, तो वो होता था मेरा डेली का टारगेट सेट करना कि आज मुझे इस दिन में पढ़ना क्या है वो मैं सेट करूंगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपना हाथ से लिखती थी, प्रॉपर एक स्लिप लगा के सामने चिपकाती थी अपनी सीट के ऊपर। जाने के विद इन 5 मिनट में मैं ये काम कर देती थी कि आज का टारगेट मैंने लिख के सामने चिपका दिया है। उसके बाद फिर मेरा क्या होता था, जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स होते हैं, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, आप लोगों को शायद
कुछ और भी लगता हो कि आपको किस टाइम पे, जिस भी टाइम पे आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है या जिस टाइम पे आप याद करने में आपको इजी लगता है, कंफर्टेबल लगता है, उस टाइम पे आप रटने वाली चीजों को ज्यादा फोकस करो तो अच्छा होता है। तो इस वजह से मुझे ऐसे लगता था कि जो सुबह के अर्ली मॉर्निंग आवर्स होते हैं या जो 7 से 12 बजे के आसपास का जो टाइम होता है, इसमें मैं याद अच्छे से कर पाती हूँ, अच्छे से मैं रिटेन कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं जीएस और जो इंग्लिश का पोर्शन है उसको सुबह के लिए रखती थी। तो सबसे पहले जैसे मैंने अपना रूटीन लगा दिया, उसके बाद मैं अपनी कॉपी निकालती थी, कौन सी कॉपी, जिसके अंदर मैं इंग्लिश के डाउट्स लिखती थी अपने, जो भी डेली रूटीन में मेरे को मॉक वगैरह के साथ में डाउट्स आ रहे हैं उसको मैं एक अपनी कॉपी में मेंटेन करती थी। आते ही वो सबसे पहले वो कॉपी निकालती थी, उस कॉपी को पढ़ती थी, उसमें से जितना भी मैंने डिसाइड किया आज के 2 पेज 4 पेज 6 पेज जितना भी मैं डिसाइड करती उतना मैं कॉपी को पढ़ती थी। उसको लगभग 20 से 25 मिनट 30 मिनट भी लग जाते थे इस चीज के अंदर। उसके बाद फिर मैं क्या करती थी, उसके बाद मैं करती थी अपनी वोकेबलरी निकालती थी। वोकेबलरी पढ़ना मुझे अच्छा लगता था और सुबह सुबह क्या होता है याद करने में भी आसानी रहती है। तो हर सेक्शन के बाद के टाइम में तो आके मैंने 100 100 रोज के करने स्टार्ट कर दिए थे। पहले 20 से स्टार्ट किया था, वो 30 50 60 70 80 100 तक अपनी जितनी भी कैपेसिटी है उतने डेली के। वैसे भी मैं आपको बताती हुई चलती हूँ, वन वर्ड इडियम सिनोनियम सारी चीजें आपको डेली पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप वन वर्ड एक बार में पढ़ते रहो उसके बाद इडियम स्टार्ट करो उसके बाद आप सिनोनियम स्टार्ट करो। मैं ऐसे करती थी कि मैं रूटीन में पढ़ती थी 50 50 50, जैसे 251 से 300 तक का अगर मुझे करना है तो 251 से 300 तक के वन वर्ड भी रहेंगे, इडियम भी रहेंगे और सिनोनियम्स भी रहेंगे, और स्पेलिंग्स भी कभी कभार मैं साथ में ऐड कर लेती थी। ये सारी चीजें करने में मेरे को 1.5 से 2 घंटे का टाइम भी लग जाता था, कभी कभार मैं थोड़ा सा जल्दी भी कर लेती थी। मैं टाइम बाउंडेड होके नहीं पढ़ती थी कि मतलब नहीं मुझे इतने टाइम में बस यही करना है, मैं अपना काम बाउंडेड होके पढ़ती हूँ कि मुझे इतना काम करना है। टाइम उसमें 10 5 7 मिनट ज्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, 1 से 1.5 घंटा मान के चलो, कम से कम इतना तो लगता ही था इस चीज के अंदर ये टाइम चला गया है। उसके बाद फिर क्या होता था, अपनी कॉपी भी पढ़ ली अपनी, उसने बुक वो कैब भी हो गई आपकी। तो उसके बाद फिर मैं क्या करती थी, उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट मेरा घर से आता था या मेरा ब्रेकफास्ट आ जाता था तो मैं सोचती थी अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ, थोड़ा सा अपने दिमाग को रेस्ट दे दूँ। तो उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट करते करते मेरा रूटीन होता था कि मैं जो डेली करंट अफेयर्स का शो होता है डेली करंट अफेयर्स का शो देखती थी। ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने और डेली करंट अफेयर का शो देख लिया मैंने, उसके बाद फिर मैं क्या करती थी, उसके बाद अपना नेक्स्ट चीज उठाती थी ब्रेकफास्ट करने के बाद, मैं जीएस को उठाती थी, जीएस को पढ़ना स्टार्ट करती थी। जीएस के अंदर आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको लगभग ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ सकते हो एक साथ में। मैं यूजुअली एक साथ में एक घंटे के अराउंड पढ़ पाती थी, कभी कभार 50 मिनट के अराउंड, 10-1 मिनट का मैं थोड़ा बहुत गैप ले लेती थी। गैप में मैं यूजुअली क्या करती थी, गैप में मैं या तो अपना जो पुरानी कॉपी है कुछ बुक में से कुछ देखना था करना था वो देख लेती थी, या फिर कोई क्विज वगैरह अटेम्प्ट कर लेती थी। इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया वगैरह से मैं डीएक्टिवेट रहती थी अपना, यूजुअली डिसकनेक्टेड रहती थी ताकि मैं बहुत ज्यादा टाइम उसके ऊपर स्पेंड ना कर दूं। तो इस वजह से फिर वो गैप थोड़ा थोड़ा लेके और ऐसे पढ़ती रहती थी मैं रूटीन में। अब मैंने अब 1 घंटे के अराउंड मेरी जीएस पढ़ ली है, अब अपने पास जीएस भी अपनी हो गई है, करंट अफेयर्स भी हो गई है, तो सुबह का इतनी चीजें हो गई है। उसके बाद फिर मैं क्या करती थी, उसके बाद मैं करती थी अपनी प्रीवियस ईयर के लिए, क्योंकि ग्रामर ऑलमोस्ट कवर हो चुकी थी तो ग्रामर को रिवाइज करने में कम टाइम लगता था मेरे को, कि एक चैप्टर मेरे को रिवाइज करना है, डेली का एक चैप्टर डिसाइडेड होता था उसको रिवाइज करना है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता था तो फटाफट से उसको रिवाइज किया। और उसके बाद 50-50 एरर इम्प्रूवमेंट और फिलर जितना भी मैंने उस दिन का डिसाइड किया है वो कर लेती थी। तो ऐसे करके मेरा इंग्लिश का जो ऑलमोस्ट सेक्शन है वो खत्म होने को आ गया है। और ये 12 से 1 का कुछ टाइम हो जाता था, इसके अराउंड टाइम हो जाता था, कभी कभार उससे पहले भी थोड़ा बहुत फ्री हो जाती थी। उसके बाद फिर क्या होता था, 1-2 क्विजेज निकाल लेती थी फिर इसके बाद में थोड़ा सा, हाँ मोनोटोनस सी हो गई ये चीजें, काफी देर हो गई काम करते हुए तो क्विजेज वगैरह लगा ली 1-2 बीच में। और उसके बाद फिर मैं सोचती थी कि एक बार थोड़ा सा वरना बाहर घूम लेती थी मैं, थोड़ा लाइब्रेरी के बाहर घूम के 5-1 मिनट 7 मिनट का गैप लेके उसके बाद फिर मैं मॉक देती थी, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती थी। अगर प्री का अटेम्प्ट कर रहे हो तो 1-1 घंटा लगेगा आपको, मेंस का अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें टाइम लगता है,
मेंस के तो पहले जो टाइमिंग आवर्स होते थे उसके अकॉर्डिंग मैं अपने अटेम्प्ट करती थी। प्री का मैं लगभग ऐसे होता था कि लंच से पहले मैं अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेती थी, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद फिर लंच कर लिया, और लंच करके आने के बाद फिर मैं क्या करती थी, मुझे चाहिए होती थी थोड़ी सी नैप, और नैप भी तुम्हें बहुत अच्छे से नींद आए तो उस जैसा तो मजा ही नहीं है। मैं न्यूज़पेपर उठा के लाती थी लंच करके, बाहर से आ रही होती थी, साथ में न्यूज़पेपर आता था, वो अपना एडिटोरियल पढ़ के मैं शुरू करती पढ़ना शुरू करती थी, और उसी के ऊपर फिर मैं 5 से 7-10 मिनट जितने भी मिनट होती थी, क्योंकि एडिटोरियल पढ़ना बोरिंग भी होता है द हिंदू का, तो मैं उसी के ऊपर सो जाती थी। आप कहोगे कितना इलॉजिकल सी चीज है, मैं ऐसे ही करती थी, तो थोड़ी सी एक बहुत फ्रेशन अप सी हो जाती थी उसके बाद में नैप के बाद। गर्मी भी सर्दी में मैं दोनों टाइम में नैप अपनी लेती थी प्रॉपर, तो वो 10 से 15 मिनट की नैप होती थी, कभी कभार 20 मिनट तक हो जाती थी वो। उससे उठने के बाद फिर मैं अपने न्यूज़पेपर को पढ़ती थी नैप से उठने के बाद, लगभग यही मेरे को लग जाते थे, कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ती थी मैं न्यूज़पेपर को, 30 से 35 मिनट के अराउंड में ये मान लो कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी अपना, 30 से 35 मिनट अब न्यूज़पेपर पढ़ लिया, लगभग ये मेरा हो जाता था 2-2.5 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। तो उसके बाद जो आपने मॉक टेस्ट दिया था, मॉक टेस्ट को उसके बाद लंच कर लिया, न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया, सो भी लिया, वो एनालिसिस भी कर लेते हैं उसकी, बहुत ज्यादा डिले नहीं करती थी एनालिसिस में उस टाइम पे, फिर मैं एनालिसिस कर लेती थी अपने मॉक टेस्ट की। उसमें से मैंने मोटी मोटी चीजें देख ली हैं, जो मेरे मैथ्स के डाउट बच गए हैं वो जिस भी फ्रेंड को मुझे भेजने हैं उनकी फोटो क्लिक करके मैंने उनको भेज दिया है, और जो मुझे लिखना था कॉपी के अंदर वो मैंने लिख लिया अपना। अब अपने पास बच जाती है रीजनिंग और जो अपना मैथ्स है। रीजनिंग के लिए मैं बहुत ज्यादा अलग से एफर्ट नहीं करती थी, उसका थोड़ा बहुत ही करती थी, वो बताऊंगी मैं आपको। अब बारी आती है मैथ्स की, मैथ्स के अंदर अब पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, तो दोनों चीजों के लिए मैं क्या करती थी, सबसे पहले मैं अपने कॉन्सेप्ट उठाती थी, लाइक आज मैंने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मान लिया मैंने पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं अपने कॉन्सेप्ट उठाऊंगी, उसको रिवाइज करती थी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाती थी मैं, लगभग आधा घंटा या 45 मिनट के अराउंड में रिवाइज कर लेती थी अपने कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर मैं उठाती थी अपनी जो डेली का मेरे को काम मैंने लिखे हैं, 80 क्वेश्चंस भी होते थे, कभी कभार 50 भी कर लेती थी जब मेरे को ऐसे लगता था आज का काम कुछ जल्दी नहीं हो पाएगा, या फिर 70-100 जितने भी क्वेश्चन करने होते थे मुझे, वो मैं पहले में बिना टाइमिंग के करती थी, उसके बाद मैंने टाइम लगा के करने स्टार्ट किए, उसके बाद वो जल्दी भी होने लगे और इफेक्टिव भी रहा। तो अगर आप भी टाइम लगा के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करोगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट के अराउंड दे सकते हो, मैं लगभग ये करती थी 50 क्वेश्चंस के लिए मैं 50 मिनट या 55 मिनट के अराउंड रख लेती थी, इतनी देर में कर लेती थी। तो उसके बाद फिर अब मेरा मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व हो जाते थे, शाम का टाइम हो गया, पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ होता है ये वाली चीज, और शाम के टाइम में कम पढ़ने का मन होता था मेरे साथ, तो इसलिए मैं ऐसे चीजों को रखती थी जिनको अगर मेरे को जैसे कॉपी में लिखना है करना है तो वो कम नींद आती है उसके अंदर, या आप उसको कर पाते हो, तो इसलिए शाम के टाइम पे मैं वैसी चीजों को रख लेती थी। मेरे मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं, अब 7 बजे का टाइम हो जाता था, 6-7 बज गए अपने, तो उसके बाद मैं क्या करती थी, थोड़ा सा बाहर निकल के टहल लेती थी आसपास में, एक दो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी उनके साथ बातें बातें फोड़ ली थोड़ी देर, 5-7 मिनट कुछ इधर उधर का चिटर पिटर खा लिया, तो उससे क्या होता है वो शाम का जो टाइम होता है जिसकी वजह से, या तो फिर उस वो छोटी सी जो भूख होती है उसकी वजह से आप घर ही चले जाओगे, या फिर ऐसे कर सकते हो आप थोड़ी देर बाहर टहल के एक बार दोबारा से फिर अपना पढ़ने का एक राउंड लेंगे अपन। तो मैं बाहर टहल ली थोड़ी देर, उनसे बातें बातें कर ली, अब अपना दोबारा से पढ़ने का टाइम आ गया, दोबारा से पढ़ने का आप जो ये टाइम बचा है ना, इस टाइम के अंदर मुझे वो चीजें करनी होती थी जो मेरी सुबह के टाइम में रह गई हैं, कि लाइक मैंने कुछ और लिखा था जो मेरा थोड़ा बहुत रह गया है, इंग्लिश का थोड़ा बहुत काम रह गया, मैथ्स का रह गया, और वो चीजें निकालती थी जो मैंने मॉक से निकाली हैं। जैसे मैंने आज मॉक से एनालाइज किया कि मेरे को जो रीजनिंग का है उसके अंदर मिसिंग नंबर में दिक्कत आ रही है, तो मिसिंग नंबर आज अपन शाम को 45 से 50 मिनट देंगे, 40 मिनट देंगे, जितने भी टाइम मेरे को लगता था सफिशियंट। या फिर जैसे कोई भी टॉपिक ऐसा निकल आया, छोटा मोटा टॉपिक, मैथ का कोई टॉपिक पढ़ना है, कोई इंग्लिश का टॉपिक पढ़ना है, वीडियो के थ्रू पढ़ना है, तो वैसे टाइम का काम फिर मैं अब इस टाइम में ही रखती थी कि बाहर से आ गई हूँ, बाहर से आने के बाद अब थोड़ा सा बैठ के पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे वो जो अपना बची हुई चीजें हैं, जो एनालिसिस वाला पार्ट है, उस टाइप की चीजों को अब अपन करेंगे। उसके बाद फिर क्या होता था, उसके बाद मेरा हो जाता था, मतलब मेरे को जीएस पढ़ना सही लगता था, ऐसा नहीं था कि नहीं लगता था, तो मैं शाम के टाइम पे फिर
जैसे सब लोग जाने लग गए हैं, तो उस टाइम पे मुझे अच्छा लगता था कि लाइक तू पहले आई थी, अभी तक बैठी हुई है। तो फिर उस टाइम पे मैं अपना थोड़ा बहुत जो जीएस का पार्ट था कि जिसमें मैं स्टैटिक जीके भी अपना कभी कभार कवर कर लेती थी, स्टैटिक अगर मैंने सुबह पढ़ लिया है तो हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह मैं जो पढ़ रही हूँ वो मैं थोड़ा सा शाम को एक बार फिर देख लेती थी कि मतलब स्विच करते रहो सब्जेक्ट्स का। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सारा दिन एक बार इंग्लिश ले ली तो बस इंग्लिश पे ही बैठ गए, जीएस ले ली तो जीएस पे ही बैठ गए। और जो बीच में छोटे छोटे टाइम होता है, छोटे छोटे टाइम में अपनी कोई क्विज वगैरह लगा लो, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत बाहर भी निकलो, थोड़ा बहुत इधर उधर भी टहल लो बाहर, क्योंकि मतलब एक जगह बैठे बैठे बिल्कुल पढ़ते रहना वो भी बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो सर्दी में लगभग मैं 9 बजे के अराउंड बाइंड अप कर लेती थी, 9:30 के अराउंड मैं अपने घर चली जाती थी, 9:30 घर जाके, घर जाने के बाद फिर जो मैंने मैथ्स के डाउट थे जो मैंने भेजे थे किसी फ्रेंड को, या जो भी क्वेश्चंस थे जो मेरे को डाउट रह गए थे, उन डाउट्स को फिर मैं करती थी शाम को घर जाने के बाद खाना खा के, और उसके बाद फिर उन डाउट्स को मैं थोड़ी देर देखती थी। फिर यही हो जाता था टाइम 11:30 बजे का, उस टाइम फिर मैं सो जाती थी। मैथ्स के जो डाउट वाला पोर्शन है वो मैं रात को घर जाने के बाद रखती थी। तो इतना ही होता था मेरा रूटीन डेली का, पता नहीं कितने आवर्स होते थे, कोई फिक्स कभी गिना नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे होता था कि मुझे अच्छा लग रहा है उतनी देर तक मैं पढ़ लेती थी। ये वीडियो भी काफी लंबी हो गई है, आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इससे। अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो मुझे भी डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कुछ भी ऐसा लगा है जो आपको नहीं सही लगा है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, उसके लिए भी कोई आपके ऊपर बाउंडेशंस नहीं होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।